नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं दोस्तों, कितने प्रतिशत कैंडिडेट पास हुए हैं और 80 OBC जनरल वालों के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है और जिन क्वेश्चनों पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया था उनका क्या हुआ। और दोस्तों, सीटेट से संबंधित रिजल्ट के रिगार्डिंग जो कुछ भी सूचना प्राप्त करना चाहते हो, इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखना है और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों, कॉमेंट में अपने नंबर, सीटेट के नंबर जितने आए हैं कॉमेंट में जरूर डालें। और दोस्तों, हम आपके साथ रेगुलरली जो भी नोटिफिकेशन आता है बोर्ड की तरफ से वो डालते रहते हैं। दोस्तों ये देखिएगा, सीटेट कट ऑफ फॉर 2018 इज नॉट अवेलेबल येट, इट विल बी अपडेट हेयर वंस इट इज ऑफिशियल रिलाइज्ड विद द रिजल्ट गिवन बिलो इन द एक्सपेंडेड कट ऑफ फॉर दिस सेशन। यानी दोस्तों ये देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क यानी 90 नंबर कम से कम लाने जरूरी है। OBC के 55% यानी कम से कम 82 नंबर आने जरूरी है। 82 नंबर तक जिनके मार्क्स आते हैं 82 से ऊपर ऊपर तो वे क्वालिफाई माने जाएंगे। 80 और ST के लिए भी 82-82 कम से कम नंबर होने चाहिए। अब दोस्तों बातें करते हैं जिसमें आपने ऑब्जेक्शन दिया था, जिनमें आपको कुछ गलतियां दिख रही थी। विद्यार्थियों के मुताबिक ये जो दोस्तों अनस्वर में गलती थी, पहला क्वेश्चन जो पहला उदाहरण है, महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मतभेद था, ऑब्जेक्शन भी लगाया था। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। और तीसरा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन थी। आपको मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम होने के बाद 27 दिसंबर को दोस्तों अनस्वर की अपलोड की गई और 30 दिसंबर तक आप अनस्वर की से रिलेटेड ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। 30 दिसंबर तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे अनस्वर की से रिलेटेड। और दोस्तों उसके तुरंत बाद 4 जनवरी को शाम को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों। यानी यही आंकलन लगाया जा रहा है कि 4 दिनों के अंदर क्या 16 लाख फॉर्म चेक हो सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 दिनों में 16 लाख एग्जाम जिन कैंडिडेटों ने दिए थे वे सभी के सभी पेपर चेक हो सकते हैं। बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था उन पर, उन क्वेश्चनों पर, उन आंसर की पर कुछ कार्रवाई हुई। तो दोस्तों ये सभी बोर्ड ही जवाब दे सकता है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट का मेरे पास रिजल्ट है जिसमें 101 नंबर उसके बने हैं लेवल 2 में, और फर्स्ट लेवल में आप देख सकते हैं 150 में से 92 नंबर मिले हैं, लेकिन क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। आप देख सकते हैं आपके रिजल्ट सेशन में भी ज़रूर ये बात लिखी हुई होगी। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बस अंक और रिजल्ट इन्होंने जारी किए, मार्क्स जारी किए हैं कि क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड, वो किसी प्रकार की उन्होंने लाइन नहीं लिखी है। ये देखिए दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम का रिजल्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। पिछले हफ्ते तक एग्ज़ाम की आंसर की जारी की गई थी, आंसर की जारी की गई थी। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आवेदक केंद्र के तहत आने वाले स्कूल्स में टीचर्स पदों का आवेदन कर सकते हैं। सीटेट 2018 एग्ज़ाम 9 दिसंबर 2018 को आयोजित किया था। 27 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम की आंसर की आ गई थी। इस आंसर की के जवाबों पर आपत्ति जताने की अंतिम तारीख थी 30 दिसंबर 2018। और दोस्तों 4 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया है, बहुत फास्ट प्रक्रिया है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 दिनों के अंदर 16 लाख कैंडिडेटों की आंसर शीट कैसे चेक हो गई। सीटेट या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उन शिक्षकों के लिए एक मान्य मानदंड जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के रूप में भर्ती होना चाहते हैं। सीटेट 2018 परीक्षा 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, जिसके अनुसार सीटेट में 10,73,545 उम्मीदवारों में से 1,78,273 उम्मीदवारों ने प्राथमिक स्कूल शिक्षक के लिए और 8,78,445 उम्मीदवारों में से 1,26,978 मिडिल स्कूल यानी TGT शिक्षकों के लिए ये दोस्तों सीटेट पास किया है। 10 लाख में से 1,78,273 कैंडिडेट PRT का जो लेवल 1 था उनको पास किया, 1,78,273 उम्मीदवारों ने पास किया है, और 8 लाख
78,445 में से 1,28,968 टीजीटी कैंडिडेटों ने पास किया, ये देखिए दोस्तों। और प्राइमरी स्कूल की श्रेणी के लिए सीटेट में जो 17% रिजल्ट रहा है दोस्तों, पास होने का 17% रिजल्ट रहा है पीआरटी के लिए, और मिडिल स्कूल यानी टीजीटी के लिए 15% रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी। इस एग्जाम को पास करने के लिए सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक आने जरूरी हैं। आरक्षित रिजर्वेशन के लिए यह सीमा 55% है। क्वालिफाई अंक आने वाले अभ्यर्थी को सीटेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 7 साल के लिए मान्य होगा, 7 साल के लिए मान्य है दोस्तों, याद रखिएगा। हालांकि अगर अभ्यर्थी अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं तो दोबारा भी सीटेट एग्जाम दे सकता है, वो एक से ज़्यादा बार भी यह एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट चाहता है तो वो 200 रुपये और डाकघर चुकाकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकता है। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सीटेट एग्ज़ाम किसी भी नौकरी के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि यह अध्यापक पदों के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए योग्य होता है, यानी सीटेट एग्ज़ाम स्पेशली टीचर एग्ज़ाम के लिए होता है, ये आपको पता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आवेदक टीचर्स के लिए निकली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल तिब्बत स्कूल, DSSSB स्कूल आदि में निकलने वाले टीचर्स के पदों पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों में भी अप्लाई करने के योग्य होता है। इसके अलावा सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी गैर सहायता प्राप्त स्कूल में टीचर पद पर अप्लाई कर सकता है। अगर राज्यों में टेट एग्जाम नहीं होता तो राज्य में इस एग्जाम को मान्यता दे सकता है। ये था दोस्तों रिपोर्ट आपको संपूर्ण दे दी जो आप मुझसे पूछना चाहते थे, बार बार कमेंट कर रहे थे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।